कलर्स टीवी के वन ऑफ द पॉपुलर शो मेरा बालम थानेदार शो पर निकल कर आ गई है बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज। क्या शो का टाइम स्लॉट चेंज होने वाला है तो क्या है पूरी खबर आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कलर्स टीवी पर साल 2024 में हमें बिल्कुल नया शो देखने को मिला है। शो का नाम है मेरा बालम थानेदार। इस शो में हमें मेन लीड्स के तौर पर देखने को मिले हैं शगुन पांडे, जो इस शो में हमें वीर प्रताप सिंह के रोल में नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही श्रुति चौधरी इस शो में हमें बुलबुल के रोल में नजर आ रही है। ये शो हमें 3 जनवरी से रात के 9:30 बजे से देखने को मिला है। इस शो में हमें देखने को मिली है बुलबुल और वीर प्रताप सिंह की कहानी, जहाँ पर बुलबुल एक नाबालिग है और वीर प्रताप सिंह के साथ बुलबुल की शादी हो जाती है। तो उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आने वाली है शादी के बाद, वही हमें इस शो में देखने को मिल रहा है। ये शो कलर्स मराठी की शो राजा रानी सी गाजोड़ी का रीमेक है। अभी शो पर बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि शो का जो टाइम स्लॉट है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि कलर्स टीवी पर बहुत सारे नई नई शो आने वाला है। उसके साथ ही और एक शो आने वाला है जिसका नाम है कृष्ण मोहिनी। खबर ये निकल कर आई है वो शो रिप्लेस करने वाला है मेरा बालम थानेदार को 29 अप्रैल से। उस शो में हमें मेल लीड्स के तौर पर देखने को मिलेंगे देवात्मा साहा एंड फेमान खान। उस शो का जो प्रोमो है वो भी फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। जब मेरा बालम थानेदार को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस शो का ओपनिंग टीआरपी 1.5 निकल कर आया था, लेकिन कुछ वक्त से शो की टीआरपी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वीक 13 में इस शो का टीआरपी निकल कर आया था 1.1। ये शो हमें 9:30 से 10:15 तक देखने को मिल रही है। 22 अप्रैल से और एक बिल्कुल नया शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण। वो हमें 10 PM के टाइम स्लॉट से देखने को मिल जाएगा। तो क्या आप देखते हैं मेरा बालम थानेदार, आपको कहानी कैसी लगती है आप कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।